हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन है वह डोज टू का है, और आज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और मापन और इकाई से संबंधित जो आगे की तरफ जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, और ये जो शुरुआत होती है सुमेलित है। ये अगला क्वेश्चन है जो इसमें दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे सुमेलित है। देखिए तो इसमें बताया गया है कि जहाज की जो चाल की माप होती है वो नॉट में तय की जाती है। किस में तय की जाती है? वो नॉटिकल मील में। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की जो इकाई होती है वो एंगस्ट्राम होती है। जो प्रकाश होती है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उसका जो मात्रक होता है वो किस में होता है? एंगस्ट्राम में होता है। जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है उसकी इकाई जो है एंगस्ट्राम में मापी जाती है। प्रकाश वर्ष जो दूरी होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो प्रकाश वर्ष होती है वो दूरी का इकाई होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला दिया है हार्स पावर, मैंने इसके भी बारे में जिक्र किया था। जो हार्स पावर होता है वह 746 वाट के बराबर होती है, मतलब 746 वाट जो होती है वह एक हार्स पावर के बराबर होती है। मैंने बताया था कि जितने भी व्हीकल्स होती हैं, जितने भी परिवहन होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उनको हार्स पावर में कैलकुलेट किया जाता है। जो हार्स पावर में आती हैं तो वो जो है एक हार्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होती है। जो एक हार्स पावर होगा वो 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो उच्च वेग होता है उसको मैक में किया जाता है। मैक में उसको कैलकुलेट, जो उच्च वेग होता है वो मैक होता है। प्रकाश के जो तरंग दैर्ध्य होती है वो एंगस्ट्राम में कैलकुलेट की जाती है। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य, मैंने इसके बारे में बताया, वो एंगस्ट्राम होता है। कभी भी तरंग दैर्ध्य होता है हमेशा एंगस्ट्राम में। अब तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है तो बात होती है फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोल सकते हैं आवृत्ति कहते हैं। जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति की बात करा जाए, अगर आवृत्ति की बात करेंगे, ठीक है, आवृत्ति की बात किया जाए तो जो आवृत्ति होती है उसको हर्ट्स में कैलकुलेट की जाती है। हर्ट्स में कैलकुलेट की जाती है, हर्ट्स हर्ट्स, ठीक है। इसे एच जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, हर्ट्स होता है। तो जो आवृत्ति होती है उसको हर्ट्स में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ऊर्जा देखिए, अब जैसे एक अगला क्वेश्चन दिया गया है, आगे अगला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल क्या है भाई? दबाव। जो दबाव, जो दाब होता है, दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। अब यहाँ पे लिखा है कि 1 माइक्रान बराबर होता है, एक जो माइक्रान होता है वह 10 के घाते -3 मिलीमीटर कहिए, या 1/1000 के इक्वल होता है। जो 1 माइक्रान होता है वो 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1 माइक्रान के बराबर होता है। आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो बात की जाएगी महासागर में डूबी हुई, देखिए यहाँ पे जो चैप्टर की बात कही जा रही है, यहाँ पे मापक यंत्र और पैमाने, इस चैप्टर को ध्यान दीजिए, मतलब इस टॉपिक को ध्यान दीजिए, इसी चैप्टर से संबंधित है मापक यंत्र और पैमाने। तो जैसे कहा जाता है कि किसी चीज को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है और उसका क्या पैमाना होता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो महासागर में कोई भी वस्तु मान लीजिए डूब गई तो उसकी स्थिति कहाँ है, उसके प्रयोग के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार में, सोनार जो होता है प्रयोग में लाया जाता है। अब ये किसके प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। किसके द्वारा लगाया जाता है? जो नौ संचालक होते हैं उसके द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार में हम उपयोग करते हैं, अब ये कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोनार में जो तरंगों का उपयोग होता है वो परा श्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। जो सोनार होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, उनका उपयोग करके हम जो है नौ संचालकों द्वारा जो वस्तु डूबी हुई होती हैं उनका प्रयोग या उनका पता लगाया जाता है।
ध्वनि की तीव्रता जो मापने वाला यंत्र होता है उसे ऑडियोमीटर कहते हैं। जो ध्वनि की तीव्रता होती है, कितनी तीव्रता से आपके पास ध्वनि आ रही है, या आप कोई मान लीजिए आपके घर में शादी विवाह है या बगल में कोई पार्टी चल रही है, तो उसमें जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो ध्वनि की क्या तीव्रता होती है उसको किसके किसके द्वारा मापा जाएगा? ऑडियोमीटर के द्वारा। अब आपने अपने घर में ऑडियोमीटर रखेंगे तो ये पता चलेगा कि वह किस आवृत्ति से आपके घर में ध्वनि की सुनाई पड़ रही है, ध्वनि चल रही है। चलिए, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो जो पवन का वेग होता है, जो देखिए इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, जो एनीमोमीटर होती है वो क्या नापा जाता है? पवन का वेग नापा जाता है। क्या नापा जाता है? पवन का वेग। जो पवन होते हैं उनके वेग को एनीमोमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंडवेन में से वायु की गति नापी जाती है, मतलब इनमें से किसके द्वारा वायु की गति नापी जाती है? तो इसमें से हम किसके द्वारा वायु की गति नापते हैं? इसमें से जो वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा नापी जाती है? एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायु की गति को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अगला, आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुमेलित है, देखिए एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, सुमेलित है, ये सुमेलित है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अमीटर का प्रयोग, अमीटर का प्रयोग किसके किसके लिए किया जाता है? अमीटर का जो प्रयोग होता है वो विद्युत धारा नापने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा नापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है टैकियोमीटर, टैकियोमीटर क्या करता है? क्षैतिज दूरियों, ठीक है, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं की माप करने के लिए। देखिए ये ध्यान दीजिए, जो क्षैतिज दूरियां होती हैं, टैकियोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं की माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो टैकियोमीटर का प्रयोग किया जाता है वो क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं की माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, इस सवाल पर ध्यान दीजिए, इस सवाल पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो उच्च ताप के मापन में, किसका मापन में? उच्च ताप के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है? पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया है, अब यहाँ पे इस सवाल में भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने एक माइक्रान प्रदर्शित करता है, इसके बारे में मैंने बताया है कि एक माइक्रान किसके लिए प्रदर्शित करता है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। अगला है डेसिबल, ये क्या करता है? डेसिबल, डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। किसकी मापी जाती है? जो डेसिबल होता है वो ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। जैसे कह सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता क्या है, उसका मात्रा क्या है, तो डेसिबल है। मैंने शक्ति के बारे में बताया, अश्वशक्ति हार्स पावर 746 वाट, एक बार फिर से बता दिया, अश्वशक्ति जो होती है वह हार्स पावर के बराबर होती है। सेल्सियस क्या होता है? ताप नापने के लिए, ताप का जो मात्रक होता है वो सेल्सियस होता है। देखिए इसमें दिया गया है कि जो सेल्सियस का मात्रक है, सेल्सियस जो होता है वो ताप का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ताप की इकाई कह सकते हैं, ताप का मात्रक कह सकते हैं। अश्वशक्ति जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। अगला दिया गया है पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मैंने इसके बारे में बता ही दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि ताप विद्युत, जो ताप विद्युत होते हैं, जैसे ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पाइरोमीटर कहा जाता है, तो ये इसे क्या कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। किसको कहा जाता है? जो विकिरण तापमापी होता है उसको बोला जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयोग किया जाता है, अब ध्यान दीजिए इस सवाल पे, कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयोग किया जाता है वह, उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, कैलोरी, कैलोरी किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ध्यान दीजिए क्या है? नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि कैलोरी या किलो कैलोरी या किलो जूल तथा वाट में कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो सही बात है भैया, जो वाट होता है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है। जो वाट होता है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है। जो वाट होता है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं होगा। ठीक है, आप कहेंगे कि वाट क्या है, तो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जैसे यही देख लीजिए कि मैं इसके बारे में देख रहा हूँ, तो ये वाट है,
ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ठीक है, ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है कि 1000 मीटर से सेकेंड से, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से, मतलब सेकेंड नहीं है, 1000 मीटर से, 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक पीको ग्राम बराबर होता है किसके बराबर होता है, एक पीको जो होता है 10^-12 ग्राम के, एक पीको जो होगा किसके बराबर होगा 10^-12 ग्राम के। पारिस्थितिकी दाब की इकाई, अब इसके बारे में अभी हम आगे बताते हैं, पहले इसके आगे आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन के बारे में दिया गया है, पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो पायरी हीलियोमीटर होता है इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, किसका प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नैनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, तो गैसों की दाब का जो माप होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, नैनोमीटर के द्वारा, किसके किसके द्वारा किया जाता है, नैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब का मापन किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, नैनोमीटर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उपकरण यंत्र, देखिए एक सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है यहाँ पे, उपकरण यंत्र है और इसकी माप की राशि क्या है, तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या होता है, सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, जो सापेक्ष आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्प्रिंग तुला क्या होता है, स्प्रिंग जो तुला होता है वो भार को मापने के लिए, आप देखिए जब आप क्लास 12th वगैरह में होंगे तो आपके स्कूल में लेबोरेटरी में ये प्रयोग किया कराया जाता होगा, तो आपको एक स्प्रिंग तुला दिया जाता होगा जो केमिकल को नाप, केमिकल को मेजर करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जो एक तरफ पे छोटे छोटे मिलीग्राम जो है हम बाट का प्रयोग करते हैं और दूसरे बगल में हम क्या करते हैं उस केमिकल को रखते हैं, और स्प्रिंग तुला के द्वारा हम भार को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे मैंने हाल ही में बताया कि पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है, इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है, तो ये बार होता है, क्या होता है, अब बार क्या है भाई, दाब, दाब से मतलब है, बार जो होता है वो दाब का ही इकाई होता है। 1 किग्रा सेंटीमीटर² दाब समतुल्य है, किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है वह 1.0 bar के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1.0 bar के बराबर होता है, 1.0, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तेल का एक बैरल होता है लगभग कितना, तेल का एक बैरल होता है लगभग 159 लीटर, मतलब 159 लीटर के बराबर होता है, तेल का एक बैरल लीटर कितना होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, लंबाई की जो सबसे न्यूनतम, सबसे कम कह लीजिए, एकदम सबसे तुच्छ कह लीजिए, उसे फर्मी मीटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फर्मी मीटर कहा जाता है। अगला दिया है क्यूसेक, अब यहाँ पे सुमेलित है, क्यूसेक क्या है, तो यह है प्रवाह की दर को बताया जाता है, क्यूसेक के द्वारा क्या, किसको बताया जाता है, प्रवाह की दर। बाइट में क्या कैलकुलेट की जाती है, आप देखे होंगे किलोबाइट, जीबी, आपने आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप देखते हैं आपके इंटरनेट मोबाइल में डाटा होता है तो एमबी होता है, ठीक है, कहते भाई हमारा एमबीया ख़त्म हो गया, फिर क्या होता है, जीबी होता है, ठीक है, जीबी होता है, ठीक है, कहते हैं कि हमारे मोबाइल में इतनी स्टोरेज है, इतना जीबी है, ठीक है, डाटा इतना एमबी है, ठीक है, डाटा को भी बोल सकते हैं, फिर उसके बाद केबी में, जब आपका डाटा ख़त्म हो जाता है तो कहते हैं भाई केबी में, तो एमबी होता है मेगाबाइट, जीबी होता है गीगाबाइट, और केबी होता है किलोबाइट, ठीक है, तो एक होता है बी, केवल बाइट होता है, ठीक है, केवल बी होता है, केवल बाइट से संबंधित है, ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये बोला है कि बाइट क्या होता है, तो बाइट जो कैलकुलेट की जाती है वो कंप्यूटर में ही इस्तेमाल किया जाता है, बाइट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, केवल कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर एजुकेशन होता है उसमें बाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर है, तो ऑडियोमीटर जो है वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के यंत्र में प्रयोग किया जाता है, जो वाहन की जो पहिया होती हैं वो जो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ऑडियोमीटर दिया गया है, ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, वाहनों की जो पहिया होती है वह इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑडियोमीटर है, फिर ओडोमीटर है, फिर ऑडियोमीटर है, ठीक है, ऑडियोमीटर देखिए दो बार लिखा, एक ओडोमीटर है, सॉरी हम ऑडियोमीटर पढ़ रहे थे, वो ये जो है ओडोमीटर है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, मतलब जो गाड़ियां होती हैं, जैसे आपकी बाइक कह सकते हैं,
फोर व्हीलर कह सकते हैं, ये जो है ओडोमीटर के द्वारा। आप देखते होंगे कि जो ओडोमीटर लगभग होता है वो आगे जब जहाँ ड्राइवर होता है, जो चालक होता है, तो चालक के सामने जो है कुछ इस तरह की घड़ी टाइप का बनाया गया रहता है और उसी में ये ओडोमीटर लगाया गया रहता है। तो आप उसमें क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई मेरी गाड़ी जो है इतना किलोमीटर चली है। तो पहियों द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, पहियों द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसे हम ओडोमीटर के द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं, मेजर करते हैं। आप कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हो खुद वो मेजर कर लेता है और आपको बता देता है कि आप कितने किलोमीटर तक चले थे। अगला है ओडोमीटर, विद्युत चुम्बकी तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र होता है। जो विद्युत चुम्बकी तरंगे होती है इसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर होता है ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए, जो ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, ऑडियोमीटर के द्वारा। जैसे कहते हैं ना ऑडियो, ऑडियोलॉजिस्ट, ये तो बायोलॉजी का एक विषय हो गया ऑडियोलॉजिस्ट, इस तरह से कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन ऑडियोमीटर के द्वारा जो है ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपको मैं ऐसी तरह की ऐसी ऐसी जो साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से जो ऐसी चीज़ें आपको ट्रिकली टाइप की हो, जो आपको अच्छे से समझ में आए और कंपटीशन में बार बार पूछी जाए, मैं आपको इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। और आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, जब आप एक शिक्षक स्टूडेंट हैं या आप शिक्षक भी हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप शिक्षक हैं तो आपको सब आ रहा होगा। आप स्टूडेंट हैं हो या शिक्षक हो, अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और आगे बढ़ें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें और बहुत बहुत खुश रहें अपने घरों पर, क्योंकि खुश ही इंसान का क्या होता है, एक परवरिश होता है जो उनके जीवन को आगे की तरफ बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग खुश रहें।